उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को, कभी न भूले। पानी भरना, मजदूरी करना, उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी, मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। मैं आज देशवासियों को कहना चाहता हूं, पिछले कुछ वर्षों से कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा होती है तो आपने देखा होगा एनडीआरएफ लिखे हुए या एसडीआरएफ लिखे हुए जवानों को यूनिफॉर्म में रात दिन वहां कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाते हुए आपने देखा होगा। लेकिन देश को पता नहीं है ये वही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलिस के जवान है। देश उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे देश, 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? मैदान छोटा पड़ गया है, मेरी आपसे प्रार्थना है आप थोड़ी शांति रखिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। भारत माता की इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इनहाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए।